सेब खाते हो रोज अपने बच्चों को भी खिलाते हो जिंदगी में सेब नहीं खाओगे सेब इतना ज्यादा खतरनाक है आपके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके बच्चों के जीवन का सवाल है दोस्तों तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सावधान हो जाओ मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूं और सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं आज इन छोटे बच्चों की जान का सवाल है मेरे भाई हम इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मैं बताता हूं कैसे अगर बात करें हम अपने बच्चों के प्यार करने की तो हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा खुद से भी ज्यादा अच्छा खाने पीने को दे खुद सूखा रूखा खा लेगा मगर अपने बच्चे के लिए फल फ्रूट लाएगा और अब देखो हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है भाई हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है केले और सेब भारत देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले फल है अब बात करते हैं सच्चाई की ये देखो हर सेब के ऊपर आप नजदीक से दिखाओ कितना सारा मोम चढ़ा हुआ है जो इनकी चमक बरकरार रहे देख रहे हो आप ये सफेद सफेद कुछ और नहीं मोम है और मेरी बच्ची ये छोटी वाली ये मेरी दो बिटिया है छोटी वाली गुड़िया सेम खाती है ये केले कम खाती है सेब सेम खाती है आप देखिए दोस्तों ये कितना सारा मोम है आप देखो नजदीक से दिखाओ कितना सारा मोम ये मोम है भाई मोम मोमबत्ती वाला मोम ये देखिए और ये चाहे आप कितने भी बड़े शोरूम से सेब ले लें एक की जगह दूसरा भी दिखा रहा हूं मैं आपको देखिए कितना सारा मोम पता क्यों लगाया जाता है मोम इनके ऊपर क्योंकि जो इनमें सेबों में चमक आ सके इनकी चमक के चक्कर में इंसान के साथ कुछ भी हो जाओ हमारे बच्चों के साथ कुछ भी हो जाओ हमारे बच्चों की हेल्थ की नहीं है इन्हें इन्हें मतलब है बस सेब चमकना चाहिए चमकेगा तो लोग खरीदेंगे खरीदेंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बीमार पड़ेंगे और अस्पताल में जाएंगे और लाखों लाखों रुपए उनके इलाज में लगेंगे आजकल हर जगह देखो छोटे से छोटे बच्चों में बीमारियां पाई जा रही है इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है भाई हमें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा हर चीज में मिलावट हर चीज में ऐसी गंदगी अब क्या खाए भाई मेरे भाई आप अपने आसपास की किसी भी दुकान पर जाओ किसी भी शोरूम पर जाओ और वहां के सेब को जाना एक चाकू लेना और ऐसे चेक करना देखो इसको मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूं चाकू को ये लीजिए देखो दोस्तों सेब है ए, ये देखिए नजदीक से दिखा दो एक बार कितना सारा मोम है भाई अब सोचना हमारे बच्चे कितना सारा मोम खाते हैं रोज और हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं देखना दिखाओ कितना सारा मोम है देख रहे हो आप ये देखिए पूरे सेब पर कितना होगा जब ये मैंने थोड़ा सा रगड़ा जब इतना है देखो पूरे सेब पर कितना होगा अब बताओ अगर आप अपने बच्चों से सच में प्यार करते हो तो दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के है इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर करना और अगर आपको अपने बच्चे की जान प्यारी है अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हो तो भाई साहब उन्हें सेब मत खिलाना और खिलाओ तो भाई ये छिलका उतार कर ये छिलका उतार कर खिलाना वरना आपके सामने रिजल्ट और यही मॉम अगर काफी दिनों से आप अपने बच्चों को खिला रहे हो तो भाई सच बता रहा हूं कहने नहीं चाहिए मगर आपके बच्चों को कुछ भी बड़ी बीमारियां हो सकती है बस इसी उम्मीद के साथ क्योंकि मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूं और मैं सच में चाहता हूं कि ये फिट रहे मैं इन्हें खिलाता था मगर आज ये देखकर मेरी आंखें दंग रह गई भाई इस वीडियो को शेयर करना अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हो और भी लोगों तक शेयर करना भाई सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जय हिंद जय भारत जय श्री राम